प्रत्याशियों की किस्मत पेटिका में बंद 13 मई को खुलेगा प्रत्याशियों के भाग्य का पिटारा। प्रथम चरण का नगर निकाय चुनाव सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 तक शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। जनपद लखीमपुर खीरी में 4 नगर पालिका व 8 नगर पंचायतों आयोग द्वारा पूर्ण शांति माहौल में संपन्न कराया गया। इस दौरान जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह व पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद सहित अन्य अधिकारियों के कई मतदान केंद्रों का जायजा लिया। इसी क्रम नवागत नगर पंचायत भीरा में एक व्यक्ति द्वारा पोलिंग बूथ में मोबाइल ले जाना निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन में मोबाइल ले जाना वर्जित। वहीं पुलिस की कड़ी सुरक्षा के चलते भी एक व्यक्ति जिसने मतदान के बूथ के बैलेट पेपर का फोटो खींचकर सोशल मीडिया वायरल कर दिया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू कर दी है। यहां पर पुलिस कर्मियों की कार्यशैली सवाल उठ रहे हैं। खबर सूत्रों के हवाले से बताई जा रही है। इसी क्रम में नगर पंचायत मैलानी में 6 मतदान केंद्रों पर 12 वार्डों के मतदाताओं ने मतदान किया, जहां नए युवा पीढ़ी के नौजवानों में पहली बार मतदान करके आते समय काफी उत्साहित दिखे। वहीं दिव्यांग व बुजुर्ग तथा एक बीमार मतदाता भी साहस तथा हिम्मत का परिचय देते हुए मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान करते दिखाई दिए। आयोग द्वारा चुनाव में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु अर्धसैनिक बल व पुलिस बल को शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न कराने हेतु सख्त दिशा निर्देश के चलते सुबह से शाम पूर्ण रूप से शांति के माहौल चुनाव संपन्न हुआ। हर पुलिस कर्मी अपनी ड्यूटी के सजग और सक्रिय दिखाई दिया। हर मतदान केंद्र पर साफ सफाई व सजावट की व्यवस्था चाक चौबंद रही। वहीं स्थानीय पुलिस व अन्य अधिकारी गण भी नगर के हर मतदान केंद्रों पर भ्रमणशील दिखाई दिए। कुल मतदाता 11,749 में से 6,984 मतदान यानी 59.43% नगर मैलानी में मतदान हुआ, तो वही संपूर्ण जनपद लखीमपुर खीरी की सभी नगर निकायों पर 55.34% मतदान हुआ। इन प्रत्याशियों की भाग्य की किस्मत का पिटारा 13 मई को खुलेगा। अब देखना यह होगा कि किस नगर पंचायत की कमान किस प्रत्याशी के हाथ में होगी तथा कौन बनेगा किस वार्ड का सभासद। फिलहाल नगर पंचायत मैलानी में जहां भाजपा से टिकट की दावेदारी पर चुनावी जंग में कीर्ति माहेश्वरी, सपा से पूर्व चेयरमैन अनीता यादव पुत्री निर्दलीय भी पूर्व चेयरमैन कल्पना वाजपेयी व बसपा से यूसुफ अंसारी तथा आम आदमी पार्टी से चंद्रभाल व निर्दलीय फहीम ने चुनावी जंग उतरकर किस्मत आजमाने के चुनाव के मैदान में उतरे। फिलहाल यहां की जनता के चुनावी जंग की त्रिकोणीय जंग कीर्ति माहेश्वरी व अनीता यादव तथा कल्पना वाजपेयी के बीच मानी जा रही है। अब देखने की बात यह भी कि कोई भी प्रत्याशी कहीं से भी अपने को चुनावी समीकरण में कमजोर नहीं मान रहा है।